हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित ऑफन रहनेवली में आपका स्वागत है। दोस्तों 2019 का एंड आ गया है और समय आ गया है कि हम बात करें हमारे बेस्ट परचेजेस की, बेस्ट प्रोडक्ट्स की जो हमने इस साल खरीदी थी या फिर एक्सपीरियंस की थी या फिर यूज़ की थी। दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो मैंने तो यहाँ पर यूज़ की है वो है मेरा एप्पल का आईफोन 11 प्रो मैक्स। अगेन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बेस्ट स्मार्टफोन है, लेकिन एक प्राइमरी फीचर के लिए मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है, और वो है यहाँ पर वीडियो शूटिंग के लिए इसका जो फीचर। यहाँ पर इसका कैमरा सेटअप बहुत ही बेहतरीन है। अगेन कैमरा में एंड्रॉयड के भी काफ़ी स्मार्टफोन्स अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पर वीडियो शूटिंग में मुझे जो क्रिस्पी फुटेज मिल जाती है वो बहुत ही बेहतरीन है। अगेन दैट टू ओनली इन नेचुरल लाइट। अगर आप बात करते हो आर्टिफिशियल लाइट की तो मतलब ये एक बकवास सा कैमरा बन जाता है। तो अगेन मैं जनरली कभी कभी बाहर आउटडोर्स में शूट करता हूँ, वहाँ पर मुझे लगता है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, और इसीलिए मैं इसको कंसिडर करता हूँ मेरा वन ऑफ द बेस्ट परचेज। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सेकंड प्रोडक्ट जो मुझे अच्छा लगा इस साल वो था पीछे की तरफ जो आप देख रहे हो ये वाली वन प्लस की टीवी। अगेन वन प्लस ने दो नए मॉडल्स लॉन्च किए थे, और यहाँ पर जो मेरे पास है उसके अंदर आपको मिलता है यहाँ पर मैकेनिकल स्पीकर जहाँ पर वो नीचे शिफ्ट होता है, बहुत ही कूल फैक्टर है। उसके साथ एक बहुत ही कूल लुकिंग रिमोट कंट्रोल मिल जाता है, नेटफ्लिक्स का सपोर्ट भी आ गया है। ओवरऑल एक बहुत ही बेहतरीन टीवी वन प्लस की तरफ से। अगेन ये मैं बता सकता हूँ कि फर्स्ट टीवी जो वन प्लस ने लॉन्च की है, क्लियरली वहाँ पर उन्होंने एक परफेक्ट प्रोडक्ट भी आपको ऑफर कर दिया है। इसीलिए मुझे लगता है कि वन प्लस की जो टीवी है वो भी एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, और जिसको मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए एटलीस्ट ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है इस साल के लिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो है Realme Buds Air। वेल ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पर एप्पल के एयरपॉड्स 2 जो मैंने खरीदे थे 16,000 के प्राइस पॉइंट, आई थिंक मैंने इंटरनेशनली यूएस में उनको खरीदा था करीब 13,000 की चेंज के प्राइस के ऊपर। उसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो था मेरा सैन फ्रांसिस्को का जहाँ पर मैंने एयरपॉड्स 2 को खरीदा था, और ये है Realme की तरफ से एयरपॉड्स 2 एट ए प्राइस ऑफ 4,000 रुपीज, मतलब सेम के सेम एयरपॉड्स। और मजे की बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर Realme ने यहाँ पर कोई ब्रांडिंग नहीं करी है अपने एयरपॉड्स के ऊपर, मतलब अगर आप पहन के कहीं जाते भी हो सेम वाइट कलर एडिशन तो किसी को ये भी ना पता चले कि ये Realme के प्रोडक्ट्स हैं। और इनफैक्ट एप्पल के एयरपॉड्स जनरली iOS के लिए क्लियरली लॉन्च किए जाते हैं, तो यहाँ पर यू कैन से एयरपॉड्स फॉर एंड्रॉयड एट 4,000 रुपीज, मतलब और क्या एक्सपेक्ट करोगे आप 4,000 रुपये में। वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पर उन्होंने आपके लिए यहाँ पर वायरलेस का चार्जिंग बेस भी ऑफर किया है जहाँ पर 10 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट है। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, एंड अ वेरी गुड प्रोडक्ट विच आई वुड रिकमेंड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है Xiaomi का कीबोर्ड। ये कीबोर्ड है जिसका नाम है M3IW, और मैं इसको यूज़ करता हूँ मेरे डेली यूसेज में। इनिशियली मुझे लगा था कि ये कूल रहेगा वीडियो के बीरोल्स के लिए, लेकिन जैसे इसको मैंने यूज़ करना शुरू किया इट्स हैज़ कम आउट टू बी वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड्स। इनफैक्ट एक अच्छी चीज़ इसमें यह है कि आप अपने स्मार्टफोन को सामने की तरफ कुछ इस तरह से डॉक भी कर सकते हो, तो अगर आप काम कर रहे हो आपको लगता है कि आपका फ़ोन कहीं पर होना चाहिए तो यहाँ पर एक छोटा सा डॉक टाइप का स्टैंड मिल जाता है, आपका फ़ोन उसी के ऊपर रहेगा एंड यू आर सॉर्टेड, तो वो एक अच्छी बात है। प्लस ये कीबोर्ड काम करता है यहाँ पर अपने डोंगल के साथ, ब्लूटूथ के साथ, और यहाँ पर ये सपोर्ट करता है पीसी और मैक। इनफैक्ट यहाँ पर आपको दोनों बटन्स मिल जाते हैं, विंडोज़ का बटन भी मिलता है और कमांड बटन भी आपको मिल जाता है, जो ओवरऑल इसको बना देता है वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। अगेन इन सारे प्रोडक्ट्स की जो भी अवेलेबल होगी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर दे दूंगा, अगर नहीं होगी तो भाई आपको चाइना जाके खरीदना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों है मेरे पास एयरपॉड्स प्रो। वेल एयरपॉड्स प्रो डेफिनेटली अगर आपके पास बजट है तो ये वन ऑफ द बेस्ट एयरपॉड्स है। आपके सामने काफ़ी सारे ब्रांड्स होंगे, लेकिन जो ये प्रोडक्ट ऑफर करता है ये मेरे हिसाब से एज ऑफ नो कोई ऑफर नहीं करता है। जो इसका बिल्ड है, जो इसकी साइज है, कंफर्ट है, जो हिसाब से फिट है, और नॉइज कैंसलेशन, एवरीथिंग 10/10। एक्सेप्ट अगर आप फ्लाइट पर जा रहे हो, मैंने अभी रिसेंटली चाइना की ट्रिप की थी, मुझे लगा कि नॉइज कैंसलेशन ईयरफोन जो मेरे सोनी के या फिर बोस के हैं वो ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, मैं इसको लेके जाता हूँ तो नहीं, उस कैबिन प्रेशर में उस नॉइज को ये कट नहीं कर पाता है। बट देन अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी रेगुलर लाइफ में, डेली यूसेज में दिस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स जो आप खरीद सकते हो। अगर आपका बजट है 25,000 तक का, देन आई वुड रिकमेंड यू टू बाई दैट वन। उसके बाद दोस्तों ये छोटा सा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, 50 रुपये की चीज़ है, वेबकैम कवर है। अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
मैं इसीलिए रिकमेंड करता हूँ, बात 50 रुपये, 100 रुपये या 1000 रुपये की नहीं है, इट्स मोर अबाउट योर प्राइवेसी। आजकल काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैक होते रहते हैं, लैपटॉप्स भी हैक होते हैं, और आप लोग अगर घर से काम करते हो, आपके बेडरूम में हमेशा आप अपने लैपटॉप को खोल के रखोगे, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए, अपने लैपटॉप के कैमरा को हमेशा के लिए ब्लैकआउट कर दीजिए। अगर आपको किसी के साथ वेबकैम में लाइव बात करनी है तो आप इसको स्लाइड कर सकते हैं कुछ इस तरह से और उसको एनेबल कर सकते हैं, मतलब कैमरा को एक्सेस दे सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कोई आपके कैमरा को रिमोटली एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उनको कुछ देखने नहीं मिलेगा। अगेन जैसे मैंने पहले आपको बताया, बात 50 रुपये की नहीं है, बट इट्स वैल्यूएबल अगर आप किसी इंपॉर्टेंट हैक से बच जाते हो तो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है ये पैडलॉक, ये इग्लू होम की तरफ से पैडलॉक है जो हमें बहुत ही मज़ा आया। आप देखोगे इसकी हालत तो अभी ऑलरेडी बहुत ही ख़राब हो चुकी है, बिकॉज हम इसको यूज़ करते हैं एवरी सिंगल डे, और यहाँ पर मैं अपने ऑफिस में यूज़ करता हूँ, घर में भी यूज़ करता हूँ, एंड दिस इज़ कम आउट टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर हमारी सारी टीम इस एक लॉक को यूज़ कर सकती है। हम उनके साथ पासवर्ड शेयर कर देते हैं ऑनलाइन, रिमोटली हम इसको चेंज भी कर देते हैं, एंड इट वर्क्स परफेक्टली। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन यूजफुल प्रोडक्ट है। और उसके बाद एक और प्रोडक्ट है जो है गूगल नेस्ट वाईफाई, जो मैंने इस साल खरीदा था सैन फ्रांसिस्को से, और मैंने अपने घर में हर जगह गूगल नेस्ट वाईफाई के अलग अलग हब्स जोन्स में लगा दिए हैं, एंड दे हैव कम आउट टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स, क्योंकि यहाँ पर घर में मुझे कहीं पर भी इंटरनेट इश्यू नहीं मिलती है। हमेशा अगर मैं पबजी खेलता हूँ, किसी भी कोने में, कहीं भी, बालकनी में, घर के अंदर, काउच में, लिविंग रूम में, डाइनिंग रूम में, कहीं पर भी अमेजिंग कनेक्टिविटी। तो मैश नेटवर्क इज अ होल आइडिया यहाँ पर, गूगल नेस्ट वाईफाई बोल के नहीं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप चाहते हो एक परफेक्ट सोल्यूशन तो किसी भी मैश वाईफाई को खरीद लीजिए, जहाँ पर आपको अलग अलग हब्स मिल जाएंगे अपने घर के अंदर प्लेस करने के लिए, और उसके बाद आपको मिल जाएगा एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस। अगेन इसके बाद एक और चीज़ है जो मैंने इस साल की थी परचेज, जो है ओविस का बैग, मतलब एक स्मार्ट बैग जिसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया था। आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन एरिया के ऊपर या फिर यहाँ पर कहीं पर आप वीडियो देख सकते हो। इट हैज़ कम आउट टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स, क्योंकि एक अमेजिंग टेक्नोलॉजी है जहाँ पर आपको एक स्वैग का फीलिंग मिल जाएगा। अगर आप जा रहे हो एयरपोर्ट में तो लोग आपकी तरफ नज़र चेंज करके देखेंगे कि यार इसके पीछे बैग ऑटोमेटिकली जा रहा है, कुछ तो खास है इसके पास। तो वो एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। अगर आप देखना चाहते हो फुल वीडियो, अगर आप खरीदना चाहते हो प्रोडक्ट्स को, तो लिंक्स आपको सारे के सारे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर। तो ये थे सारे प्रोडक्ट्स जो मुझे लगे प्रैक्टिकली यूज़ करने के बाद बेस्ट या फिर परफेक्ट यूज़ करने के लिए। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से प्रोडक्ट्स लगे बेस्ट इस साल यूज़ करने में, आपने कौन से प्रोडक्ट्स को खरीदा, आपको मज़ा आया और आपका कंप्लीट उसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू या फिर परसेप्शन बदल गया। नीचे कमेंट करना मत भूलिए, और कल के वीडियो में मैं बताऊंगा कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जो आप सोच सकते हो ना खरीदने के लिए, या फिर एटलीस्ट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको खरीदने के लिए। तो स्टे ट्यून्ड रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब रहिए इस चैनल को कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मैं हूं अमित, और मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।